हेलो माय फ्रेंड एवरीवन, हाउ आर यू। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स इन सेल्स। सेल्स के अंदर हम जो भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वो सामने वाले के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करती है। और अगर हमारे शब्द उस प्रकार से नहीं है जो एक्शन हम सामने वाले से करवाने वाले हैं तो वो सेल्स में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार पावर ऑफ वर्ड्स और हमारी कही हुई बातें सेल्स के अंदर इम्पैक्ट डालती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अनुराग गेरा और मैं एक हाई परफॉर्मेंस कोच हूं और मैं हेल्प करता हूं डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ऑनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, मैं एक बहुत छोटे से और बड़े सिंपल मजाकी एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार सेल्स में बोली हुई बातें हमारे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में इम्पैक्ट करती हैं। एक बार दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या भाई पूजा करते वक्त सिगरेट पीनी चाहिए। अब वो आपस में कंफ्यूज होते हैं तो वो सामने देखते हैं एक पंडित जी बैठे होते हैं और उन सोचते हैं क्यों ना उस पंडित से जाके पूछा जाए कि क्या पूजा करने वक्त सिगरेट पी सकते हैं। तो पहला व्यक्ति जाता है और वो बोलता है, उस पंडित जी से पूछता है, पंडित जी क्या मैं प्रार्थना करते समय सिगरेट पी सकता हूं? तो पंडित जी बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी अनर्थ की बातें कर रहे हैं, पूजा करते वक्त सिगरेट का इस्तेमाल तो बहुत ही वर्जित है, ऐसा तो कदापि भी नहीं करना चाहिए। अब दूसरे से उस दोस्त जाता है, वो बड़ा स्मार्ट होता है, तो वो बोलता है पंडित जी से जाके हुए कि पंडित जी अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं तो क्या सिगरेट पीते पीते भगवान को याद किया जा सकता है, क्या उस समय पे अपने परमपिता परमेश्वर को याद किया जा सकता है? तो पंडित जी जवाब देते हैं, बिल्कुल बेटा, भगवान को याद करने के लिए तो कोई भी वक्त सही है, किसी भी वक्त याद किया जा सकता है। तो देखा आपने माय डियर फ्रेंड, बात वही थी बट दूसरे वाले व्यक्ति ने उसको अलग तरीके से बोला तो उसको वही आंसर मिला जो वो चाहता था। एक और छोटे से एग्जांपल से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार एक पंडित जी राजा के पास जाते हैं और उसको जाके बोलते हैं, उसे कुंडली देखने के बाद, राजा जी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपके परिवार के सभी लोग आपके सामने सामने इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, वह सारे के सारे लोग आपके सामने सामने देखते देखते मर जाएंगे। अब वो राजा उस पंडित को जो है वो जेल में डलवा देता है। अब उस पंडित की बात से उसके मन में डर तो बैठ जाता है, तो वो दूसरे पंडित को बुलाता है ये देखने के लिए कि क्या उस पंडित की कही बात सच थी या झूठ। जो दूसरा पंडित है उसे कुंडली को देखने के बाद बोलता है, महाराज बहुत खुशी की बात है, आपसे ज्यादा भाग्य लेके तो कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया ही नहीं। क्या आप जानते हैं आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले हैं, आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी रहने वाली है। अब देखा माय डियर फ्रेंड, जो दूसरा पंडित होता है ना उसको इनाम मिलता है। बात दोनों की एक ही थी पर सामने वाले के दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट हुई वो टोटली डिफरेंट थी। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप क्या बात कह रहे हैं उससे सामने वाले के दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है। बहुत से लोग जो आजकल क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं वो बात तो इन्वेस्टमेंट की कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होराइजन की कर रहे होते हैं, मगर उनके शब्द स्कैम जैसे लग रहे होते हैं। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति उनके साथ कभी स्टार्ट ही नहीं करता क्योंकि वो करवाने इन्वेस्टमेंट जाते हैं बट बता स्कैम की तरह रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो सामने वाले के दिमाग में क्या असर डाल रहा है। आई होप इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।